हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी अपनी ये ब्रेड की रेसिपी। अगर आपको सार्डो पसंद है तो ये ऑलमोस्ट उसकी रेप्लिका है, बिना स्टार्टर के। बहुत इजी रेसिपी है और हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ चार इंग्रेडिएंट डाले हैं मैंने, पांच बेसिकली। मैंने लिया है गेहूँ का आटा, करीबन 2.5 कप। मेजरमेंट्स सारे आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। मैंने ली है इंस्टेंट ईस्ट। या तो सिर्फ पानी डाल के इसका डो बना सकते हो, और या फिर इसमें दूध भी मिला सकते हो, तो मैं दूध भी मिलाऊंगी। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो दूध अवॉइड करो, पानी से भी बन जाएगा। बस इसको ऐसे मिक्स करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें नीडिंग नहीं है, ये नो नीड ब्रेड है, तो आपको नीडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आपका स्पैचुला अगर है तो उससे बस आपको मिक्स करना है, या चम्मच से मिक्स करना है। ये मैंने अब इसमें डाल दिया है दूध, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 कप। मेजरमेंट सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना। बस ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये टेक्सचर देखने में आपको लगेगा कि इतना लूज़ है, इसकी ब्रेड कैसे बनेगी, इसकी बहुत अच्छी ब्रेड बनेगी। तो अच्छे से मिक्स कर लो उसको, मैं आपको बताऊँगी मिक्स करने के बाद ये कैसी दिखनी चाहिए, कैसा टेक्सचर होना चाहिए। ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं इसको एक एयर टाइट डब्बे में या एक अच्छे से पैक डब्बे में डाल दूँगी। तो मेरे पास ये छोटी सी बाल्टी है, मैंने उसमें भर दिया इसको, और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और पहले 1 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी बाहर। यूजुअली लोग उसको सीधा फ्रिज में रख देते हैं, वो भी गलत नहीं है, पर 1 घंटे के लिए पहले इसको बाहर रख दिया मैंने, तो थोड़ा सा जो वो आटा है वो रेज हो जाएगा। और फिर मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया, यानी कि 12 से 14 घंटे आपको फ्रिज में रख देना है। अब क्योंकि वो बहुत लूज़ आटा है, आपको बहुत सारा सूखा आटा चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी थी, इसको सीधा पार्चमेंट पेपर पे डाल दिया। आप एक प्लेट में या जिसमें भी आपको उसको गूंदना है ना, उसमें डालो। तो मैंने अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। गूंदना नहीं है, नीडिंग नहीं ज़रूरत है, इसको आपको खाली मिक्स करके बांधना है। तो वो बांधने के लिए आपको बस इसको जैसे मैं कर रही हूँ ना, उस वे में आप फॉलो करो। फोल्ड करना है, फिर वापस से राउंड करना है, फिर फोल्ड करना है। तो नीडिंग नहीं है, बस फोल्डिंग है बेसिकली, और कोई टेक्निकल स्टाइल की फोल्डिंग नहीं है, नॉर्मल फोल्डिंग है। एक अच्छी सी बॉल जैसी बन जानी चाहिए, बस फ्लफी सी। मुझे ना ब्रेड बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता था हमेशा से, मुझे लगता था पता नहीं कितना टेक्निकल है, पर ब्रेड बनाना शायद उतना डिफिकल्ट नहीं है। मे बी ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनी है, लेकिन बहुत हेल्दी है, आप घर में आराम से बना के खाओ। मैं रागी ब्रेड की रेसिपी भी डालने वाली हूँ। अब जब ये अच्छे से एक वो डो जैसा बन जाए ना, उसको अपनी जो शीट है या जिसमें आप बेक करने वाले हो उसमें ट्रांसफ़र कर लो उस बर्तन में। शीट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नॉर्मल स्टील के बर्तन को भी आप ग्रीस करके यूज़ कर सकते हो, तो भी अच्छे से बेक हो जाएगा। बस प्यार से बनाना है इसको, क्योंकि ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है ना, एकदम प्यार से इसको हल्का हल्का आपको राउंड बॉल जैसा बनाना है, प्यार से टच करना है इसको। मुझे मेरे ब्रेड्स बहुत पसंद हैं, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रेड्स घर में बेक करना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर से हमेशा लेके आना, और उसमें चीनी होती है, अनहेल्दी होती है, और स्पेशली जो आर्टिसनल ब्रेड्स होते हैं वो बहुत महंगे भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था मैं बेकिंग घर में सीखूं, एटलीस्ट ब्रेड की, एटलीस्ट बेसिक ब्रेड की, क्योंकि कितना आप अनहेल्दी बाहर का खा सकते हो। बस ये देखो, ये ब्रेड मैंने बेक किए है 250 डिग्रीज पे 25 मिनट्स के लिए। मुझे एक्चुअली ये वाली ब्रेड में 35 मिनट लग गए, पर अगर रागी वाली होती है तो मैं 25 मिनट में बेक कर लेती हूँ। तो ये बहुत डिपेंड करता है आपकी ओवन के ऊपर। बहुत बढ़िया ब्रेड है ये, थोड़ी सी कटी रेडीमेड है, क्योंकि मेरे पास ब्रेड नाइफ़ नहीं था। तो अगर आपके पास ब्रेड नाइफ है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये एकदम परफेक्ट ब्रेड है, और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत टेस्टी है, बाहर के ब्रेड से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि इसमें चीनी और बेकार के केमिकल्स नहीं है। बनाना ट्राई करना, मुझे बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।